बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। आज हम जो हैं आइसोटोप्स को पढ़ेंगे। आइसोटोप्स के अंदर हम जो हैं इसके मीनिंग देखेंगे, उसके अलावा इसकी डेफिनेशन के अलावा इसके अंदर सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी, उसके साथ साथ जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, और एट द एंड जो है वो हम क्वेश्चन जो है इस टॉपिक के रिलेटेड या MCQs जो है वो हम देखेंगे। तो आइसोटोप्स जो है ये दो वर्ड से बना, आइसोस और टोपोस। आइसोस का मतलब होता है सेम और टोपोस का मतलब है पोजीशन। यानी कि ऐसे एटम जो हैं जिनकी पोजीशन जो है वो सेम हो, हैविंग सेम पोजीशन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एक ही पोजीशन यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर उनकी पोजीशन जो है वो एक हो। अब किस बेस पे इनकी पोजीशन एक हो, इसको हम एक जो है वो एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सैंपल है गैस का, हाइड्रोजन गैस का। उसमें से मैंने क्या किया कि एक एटम जो है वो मैंने लिया, ठीक है। वो एटम जो है H11 है, इसको प्रोटियम कहते हैं। इसके अंदर जो है वो एक इलेक्ट्रॉन है। अब न्यूट्रल एटम है, हम ये पहले भी देख चुके हैं कि जो न्यूट्रल एटम होता है उसके ऊपर चार्ज सेम होता है, मतलब कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके अंदर सेम होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एक है प्रोटियम के अंदर, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो प्रोटॉन है वो भी एक होगा, ठीक है। उसके अलावा हमने ये बेसिक मतलब कि 9th क्लास या 10th के अंदर ये हमने पढ़ा है एटॉमिक नंबर के बारे में और मास नंबर के बारे में। एटॉमिक नंबर जो है वो प्रोटॉन की तादाद को कहते हैं, यानी कि किसी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उसका उतना एटॉमिक नंबर होता है। उसके अलावा जो मास नंबर होता है, मास नंबर जो है सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, यानी कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन का जो मजमूआ होता है उनको मास नंबर कहते हैं। तो जो एटॉमिक नंबर होता है उसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और जो मास नंबर होता है उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब प्रोटियम के अंदर जो है एक प्रोटॉन है, ठीक है, तो इसका जो एटॉमिक नंबर है जेड जो है वो 1 है। उसके अलावा जो मास नंबर है ये सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मजमूए को एटॉमिक मास कहते हैं, जो कि ई से रिप्रेजेंट किया गया है। तो प्रोटियम के अंदर जो है वो सिर्फ एक प्रोटॉन है और इसके अंदर न्यूट्रॉन जो है वो कोई नहीं, 0 है। तो इसका जो मास नंबर है वो क्या होगा, 1 होगा। एक और उस सैंपल से मैंने एक एटम लिया जो कि H21 है, जिसको ड्यूटियम कहते हैं। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर प्रोटॉन भी जो है वो एक है। तो इसका क्या हुआ कि इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 1 है, लेकिन इसका मास नंबर जो है वो 2 है। अब प्रोटॉन तो एक है, तो इसका मतलब है कि एक न्यूट्रॉन जो है वो इसके अंदर है। तो इस तरह इसका जो मास नंबर है वो 2 हो गया। इसके अलावा एक और उस सैंपल से मैंने एटम लिया जिसको ट्रिटियम कहते हैं, H31, ठीक है। तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन एक है। अब इलेक्ट्रॉन एक है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर प्रोटॉन भी एक है। अब प्रोटॉन एक है तो इसका मतलब है कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है। उसके अलावा इसका मास नंबर जो है वो क्या है, वो 3 है। अब प्रोटॉन तो इसके अंदर 1 है, तो क्या हुआ कि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इस तरह इसका जो मास है वो क्या है, 3 है, ठीक है। अब इन तीनों के अंदर आप देखिए, इन तीनों का कंपैरिजन करें, ठीक है। हाइड्रोजन के जो तीनों आइसोटोप्स हैं उनका आप कंपैरिजन करें तो उसके अंदर आप देखेंगे कि उन तीनों का एटॉमिक नंबर जो है वो 1-1 है, लेकिन जो मास नंबर है वो क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। प्रोटियम का 1 है, ड्यूटियम का 2 है और ट्रिटियम का जो है वो 3 है। तो मास नंबर जो है वो इनका डिफरेंट है। अब मास नंबर जो है इनका डिफरेंट क्यों है, किसकी वजह से, तो मास नंबर जो इनका डिफरेंट आ रहा है वो आ रहा है न्यूट्रॉन की वजह से, ठीक है। तो इस तरह इसकी हम डेफिनेशन कैसे करेंगे आइसोटोप्स की, एटम्स ऑफ एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट मास नंबर डिफरेंट, यानी कि जो उनका एटॉमिक नंबर है वो सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। अब वो मास नंबर डिफरेंट क्यों है, ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि न्यूट्रॉन की तादाद की वेरिएशन की वजह से जो इनका मास नंबर है वो डिफरेंट है, ठीक है। अब इससे हमें ये क्या नतीजा मिला कि इनका एटॉमिक आइसोटोप्स क्या होते हैं, ऐसे
एलिमेंट के एटम जिनका मास नंबर जो है वो सेम हो, सॉरी एटॉमिक नंबर जो है वो सेम हो लेकिन मास नंबर जो है वो डिफरेंट हो। मास नंबर डिफरेंट किसकी वजह से होता है? ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो इससे पहले जो है जितने भी एटम्स थे एलिमेंट के वो उनके बारे में क्या नज़रिया था, तो डाल्टन थ्योरी ये कहती थी कि ऑल एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, कि किसी भी एलिमेंट के तमाम एटम जो हैं वो क्या है आइडेंटिकल है इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी, उनकी स्टेबिलिटी जो है वो तमाम के तमाम एटम की सेम थी अकॉर्डिंग टू डाल्टन थ्योरी। बट जब आइसोटोप्स या आइसोटोपी का कंसेप्ट जो है वो आया तो उसने ये रिजेक्ट कर दिया। आइसोटोपी के अंदर क्या है कि जो इनकी प्रॉपर्टी हैं या तमाम एटम जो हैं एक एलिमेंट के वो सेम नहीं होते, वो डिफरेंट होते हैं। तो कंसेप्ट ऑफ आइसोटोपी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सोडी। तो आइसोटोप का जो कंसेप्ट है ये सोडे ने इंट्रोड्यूस करवाया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको आप जो है वो मैंने इसलिए जो है वो रेड लिखा हुआ है। ठीक है, ये एमसीक्यूज पूछा जाता है कि आइसोटोपी का कंसेप्ट जो है वो किसने इंट्रोड्यूस करवाया, तो सोडी ने करवाया। इस तरह आइसोटोप्स की तरह कुछ दूसरी टर्म है, आइसोबार हैं, आइसोटोन्स हैं या आइसो इलेक्ट्रॉनिक शिपिसीज हैं। तो ये वाली जो है इनको आप किसी कंसर्न बुक से जो है वो इसको मतलब कि स्टडी करें। ये इंट्री टेस्ट के हवाले से जो है इनके बारे में पूछा जाता है और हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि हमारे ये सिलेबस में शामिल नहीं है। ठीक है, तो इससे पहले जो है मतलब क्या था कि आइसोटोप जो है वो एटॉमिक नंबर उनका जो है वो सेम होता है लेकिन मास नंबर जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, उसके बाद आगे जी सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी, यानी कि आइसोटोप्स के अंदर सिमिलर क्या है और डिसिमिलर क्या, मतलब कि सेम चीज़ें क्या हैं और डिफरेंट जो है वो उनके अंदर क्या है। ठीक है, तो सिमिलैरिटी हम पहले देखेंगे, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम, अब क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इनके अंदर सेम है। नंबर वन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, कि आइसोटोप्स के अंदर जो प्रोटॉन की तादाद है वो सेम होती है। उसके अलावा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सेम होते हैं। उसके अलावा एटॉमिक नंबर जो है वो इनका सेम होता है। उसके अलावा सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू सेम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अब केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो आइसोटोप्स की क्या होती हैं, सेम होती हैं। क्यों सेम होती हैं? क्योंकि वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम है या उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो सेम है, इसकी वजह से जो है केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो सेम है। ठीक है, मतलब कि अगर वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है या टू है, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो एक बॉन्ड बना रहा है, अगर टू इलेक्ट्रॉन है तो वो टू बना रहा है। इस तरह इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी हैं वो सेम होती हैं। उसके अलावा जो फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ चीज़ जो इनके अंदर क्या है, तो सेम पोजिशन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो आइसोटोप्स की पोजिशन जो है वो सेम होती है। उसके अलावा कुछ इनके अंदर डिसिमिलैरिटीज भी पाई जाती हैं। अब डिसिमिलैरिटीज कौन कौन सी हैं? आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, कि इनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो डिफरेंट होते हैं। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है तो इसकी वजह से मास नंबर भी जो है वो डिफरेंट होता है। उसके अलावा इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो भी डिफरेंट होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है उनका, मतलब कि साइज एटम का क्या हो सकता है। ठीक है, तो वो डिपेंड कर रहा है मतलब कि उसके ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन के ऊपर। ठीक है, उसके अलावा फोर्थ पॉइंट है रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी ड्यू टू डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियाई आर डिफरेंट, रेडियो एक्टिव जो प्रॉपर्टी हैं जो कि न्यूक्लियस से मतलब के एस्केप होती हैं वो भी डिफरेंट है। ठीक है, अब वो डिफरेंट क्यों है? क्योंकि कंपोजिशन जो न्यूक्लियाई की है वो क्या है, डिफरेंट है। कंपोजिशन से मुराद है उनके अंदर प्रोटॉन डिफरेंट है, प्रोटॉन अगर सेम है तो न्यूट्रॉन जो है वो उनके अंदर डिफरेंट है। ठीक हो गया, उसके अलावा फिफ्थ पॉइंट जो है वो डिसिमिलैरिटी क्या है, मतलब क्या मुख्तलिफ हो सकता है, हाफ लाइफ डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट स्टेबिलिटीज़,
अब कुछ जो है न्यूक्लियस जो हैं या कुछ एटम के न्यूक्लियस जो हैं वो ज़्यादा स्टेबल हैं कुछ के कम हैं, तो उनकी वजह से जो उनकी हाफ लाइफ है वो भी डिफरेंट है। ठीक अलावा जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के अंदर क्या है टाइप से और उसकी एग्जाम्पल हम देखेंगे। मतलब क्या है, मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट, यानी कि ऐसी एलिमेंट जिनका आइसोटोप जो है वो एक है, उनकी एग्जाम्पल कौन कौन सी है, आर्सेनिक है, फ्लोरीन है, आयोडीन है और AuR मतलब के गोल्ड, ये तमाम जो है मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट हैं। उसके अलावा डाई आइसोटोपिक एलिमेंट, इसकी एग्जाम्पल जो है वो क्लोरीन, बरोमीन, सिल्वर, ब्रोन, यानी कि जिनके दो आइसोटोप्स हो सकते हैं, ये आइसोटोप्स जो हैं वो नेचुरली हैं, कुदरती आइसोटोप्स हैं। उसके अलावा ट्राई आइसोटोपिक एलिमेंट जिनकी एग्जाम्पल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नियोन, यूरेनियम वगैरह वगैरह, ये बहुत सारे जो हैं ट्राई आइसोटोपिक एलिमेंट हैं जिनका आइसोटोप जो है वो तीन है। उसके अलावा टेट्रा आइसोटोपिक एलिमेंट, उसकी एग्जाम्पल जो है वो सल्फर है, यानी कि सल्फर के जो आइसोटोप्स हैं वो चार हैं। उसके अलावा पेंटा आइसोटोपिक एलिमेंट जिनकी एग्जाम्पल जो है वो निकल है। उसके अलावा हेक्सा आइसोटोपिक एलिमेंट जिनकी एग्जाम्पल जो है वो कैल्शियम है, प्लेडियम है, ठीक है। उसके अलावा ऑक्टा आइसोटोपिक एलिमेंट यानी जिनका आइसोटोप जो है वो आठ हैं, इसकी एग्जाम्पल जो है वो कैडमियम है। उसके अलावा अनडेका आइसोटोपिक एलिमेंट यानी कि ऐसे एलिमेंट जिनका आइसोटोप नंबर जो है वो 11 है, तो वो है SN, टिन इसको बोलते हैं, ठीक है। अब जो है इसके अलावा कुछ जो शॉर्ट क्वेश्चन जो इस टॉपिक से बन सकते हैं, फर्दर जो इसका नेक्स्ट पार्ट जो है आइसोटोप का वो हम इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो यहाँ तक जो आज हमने पढ़ा इसमें से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो कौन कौन से हैं, तो नंबर वन, वाई केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट आर सिमिलर, कि केमिकल प्रॉपर्टी जो है आइसोटोप की वो सिमिलर क्यों है, ठीक है, ये वजह। अब ये इसके अंदर आपने इसका जवाब जो देना है वो लॉजिकली देना है, कोई लॉजिक जो है वो इसके अंदर बताना है कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्यों सेम है। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि केमिकल प्रॉपर्टी इनकी इसलिए सेम है क्योंकि इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो सेम है, इस वजह से इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो सिमिलर होती हैं। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर बन सकता है कि डिफरेंस बिटवीन सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी ऑफ आइसोटोप्स, यानी कि आइसोटोप के अंदर सिमिलर और डिसिमिलर क्या हैं। तो ये है, मैंने पॉइंट जो हैं पांच पॉइंट डिस्कस किए हैं दोनों के, ये आप आंसर देख सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर से जो MCQs बन सकते हैं या जो MCQs आया है तो वो ये है कि पेंटा आइसोटोपिक एलिमेंट की कोई एग्जाम्पल है तो वो निकल है, ठीक है, या ये पूछ सकते हैं कि निकल जो है वो कौन सा आइसोटोपिक एलिमेंट है, तो आप कह सकते हैं कि पेंटा, यानी कि निकल के पांच आइसोटोप हैं। उसके अलावा जो है इसमें से जो MCQs बन सकता है कि आइसोटोपी का कंसेप्ट जो है वो किसने इंट्रोड्यूस करवाया, तो ये सोडी ने करवाया। तो ये आज का टॉपिक था, इसके रेलिवेंट अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो वो आप